मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन उसमें एरिया के बारे में बताएंगे। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन के बारे में बताया था। देखिए, एरिया बाउंडेड रीजन, कोई एरिया बाउंडेड कर्व है उसकी एरिया कैसे निकालते हैं। द स्पेस एक्यूपाइज बाय द कर्व अलोंग विद द एक्सेस अंडर द गिवन कंडीशंस इज कॉल्ड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। देखिए, एरिया हम कोई कर्व एक्सेस अलोंग या फंक्शन के अलोंग या किसी कर्व या कोई फंक्शन उसकी एरिया निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं फंक्शन के अलोंग आप लोगों को एरिया निकालना बताएंगे। द एरिया बाउंडेड बाय कर्व बाय इक्वल टू एफ एक्स अबाउट द एक्स एक्सेस एंड बिटवीन द लाइन एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी इज गिवेन बाय, ठीक, कर्व के अराउंड कंडीशन दी है बाउंडेड ए एंड बी, ठीक। सबसे पहले मैं y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व ट्रेस कर लेंगे ग्राफ में। कर्व मैंने ट्रेस की, उसके बाद मैं इसमें स्मॉल कलर्ड एरिया कर लेंगे, ठीक। कलर्ड स्मॉल एरिया की, इसकी लंबाई मेरी हो गई x और चौड़ाई लंबाई हो गई y और चौड़ाई हो गई dx, ठीक, चौड़ाई हो गई dx, ठीक। जो कलर्ड हुआ है इसकी एरिया क्या होगी, रेक्टेंगुलर टाइप का होगा, इसकी एरिया क्या होगी, बाई इंटू डी एक्स, ठीक, इसकी एरिया हो गई। मैंने बताया कि अब एरिया स्मॉल कलर्ड एरिया निकाल ली, टोटल एरिया निकालनी हो तो उसको मैं क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और टोटल एरिया आ गई, ठीक। और मैंने लिमिट लगा दी x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, टोटल एरिया आ गया। इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट ए से बी बाई डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि फंक्शन किसका है, x का है, तो एरिया अराउंड टू द x से निकल आई। इसी प्रकार जब मैं एरिया अराउंड टू द पाई एक्सेस निकालेंगे, एरिया बाउंडेड बाई कर्व x इक्वल टू एफ बाई टू द बाई एक्सेस द लाइन बाई इक्वल टू सी बाई इक्वल टू डी इज द गिवन बाई, ठीक। एरिया किसके अराउंड है, बाई एक्सेस है और बाउंडेड बाई कंडीशन दी है बाई इक्वल टू सी बाई इक्वल टू डी। इस कर्व को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। इस कर्व को क्या कर लेंगे, सबसे पहले ट्रेस कर लेंगे। इस कर्व को हम ट्रेस करेंगे अराउंड टू द बाई एक्सेस, ठीक। इस सेम जैसे एरिया पहले निकाली सेम वैसे इसमें हम एक रेक्टेंगुलर टाइप की कलर्ड कर लेंगे, ठीक। अब देखिए, इसकी लंबाई हो गई x, चौड़ाई हो गई dx, ठीक। अब इसकी एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, एरिया a इक्वल टू x डी बाई, क्योंकि जो कलर्ड है उसकी एरिया हो गई, ठीक है। अब देखो, टोटल एरिया निकालनी है तो दोनों साइड में क्या करना है, इंटीग्रेशन। दोनों साइड में हमने कर दिया इंटीग्रेशन और वो भी लिमिट के साथ, बाई इक्वल टू सी और बाई इक्वल टू डी, तो सी से डी लिमिट हो गई, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ठीक। इंटीग्रेशन कर दिया तो फार्मूला मेरा आ जाएगा सी से डी एफ बाई डी वाई, क्योंकि फंक्शन किसका है, बाई का है, एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब उसके बाद इस कर्व की हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, ठीक। अब इसके सहायता से कोई भी फंक्शन एक्स इक्वल टू एफ वाई टाइप का फंक्शन दिया है, उसकी बाउंड्री कंडीशन दी है, तो आप लोग उसकी एरिया कर्व की निकाल लेंगे, ठीक। इसी प्रकार जब मेरी कर्व क्या हो, निगेटिव एक्सेस में हो, तब एरिया कैसे निकालेंगे, उसमें सिर्फ निगेटिव साइन आ जाएगा, एरिया निकल आएगी, ठीक है। अब एरिया की बात करते हैं जब कर्व टाइप की हो। अब जो दो कर्वें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में दो कर्व दी हैं, उसके बीच की एरिया बाउंडेड कलर्ड एरिया या बाउंडेड एरिया
या आप लोग कुछ भी इसको कह सकते हैं, उसकी एरिया कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसेस इसकी भी भाई वैसे किया जाता है जैसे एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व बाय इक्वल टू एफ एक्स एंड बाय इक्वल टू जी एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी इज गिवन बाय, ठीक इस टाइप की जो कर्व दी होगी उसकी एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन भी साथ में होगी कि बाई जो जी एक्स फंक्शन है एफ एक्स फंक्शन है वो ग्रेटर देन जी एक्स, मतलब हो गया एफ एक्स फंक्शन बड़ा है जी एक्स फंक्शन से, ठीक उसके बाद इसकी हम एरिया निकालेंगे। ठीक इसकी एरिया कैसे निकालते हैं, जो जी एक्स फंक्शन है एफ एक्स माइनस जी एस कर देते हैं, जो कर्व का निकालते हैं वैसे इसका भी एरिया निकालते हैं। आप लोग अलग अलग निकालना चाहें, क्यों देखिए कर्व पहले मेरी कर्व नीचे वाली है, ठीक इसकी मैंने एरिया निकाल ली, जी एक्स कर्व है इसकी एरिया निकाल ली, इसकी एरिया मान ली एरिया वन, जैसे मैंने एरिया निकाल ली एरिया वन जी एक्स कर्व है, इसकी लिमिट क्या है ए से बी और बाई डी एक्स, इसी को हम क्या लिखेंगे ए से बी जी एक्स और डी एक्स, एरिया वन हो गया। इसी प्रकार एरिया टू निकालेंगे, एरिया टू निकालेंगे क्या हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए से बी, नीचे वाले कर्व की एरिया निकाल ली और ऊपर वाले कर्व की एरिया निकाल ली। अब देखो मेरा जो बीच का कलर्ड है, जो कलर्ड है उसके एरिया निकालना है, तो इसके एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, कलर्ड एरिया निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन करेंगे, जो कलर्ड एरिया क्योंकि नीचे की माइनस कर देंगे ऊपर की एरिया निकल आएगी, और ए टू माइनस ए वन, ए वन की एरिया मैंने क्या निकाला ए से बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से बी जी एक्स और डी एक्स, ठीक एरिया निकाल ली। अब देखो डी एक्स और इंटीग्रेशन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तब मेरा क्या आ जाएगा लिमिट ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स होल ब्रैकेट बंद डी एक्स, ये आ गई एरिया किसकी बाउंडेड बाय द कर्व, जो कर्व मेरी बाउंडेड है उसकी एरिया निकल के आ गई। देखिए एरिया फार्मूला बन के आ गया ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, इसकी एरिया निकल के आ जाएगी। अब इसी की सहायता से आप लोगों को कोई भी दो फंक्शन दिए हैं, दो इक्वेशन दी हुई हैं, दो कर्व दिए हैं, उन कर्वों को ट्रेस कर लीजिए, जो कर्व बड़ी है और जो कर्व छोटी है, बड़े में से छोटे कर्व को हटा दीजिए और जो बाउंडेड कंडीशन दी है उसकी सहायता से उसकी एरिया निकाल लीजिए, उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और एरिया फाइंड हो जाएगी। इसी प्रकार एरिया जब कर्व कुछ लिमिट दी हुई हो, कोई बाउंडेड कंडीशन दी होगी, उस बाउंडेड कंडीशन में यदि बाउंडेड कंडीशन में कुछ कंडीशन तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कुछ कंडीशन बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तब उसकी कर्व की एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कर्व है अराउंड टू द पैरेलल किसके हैं एक्स एक्सिस है, जब बाई एक्सिस के होगा तब कैसे निकालेंगे। इससे पहले बाई एक्सिस के मैंने सेम प्रोसेस से आप लोगों को निकालना एरिया बताया, सेम फार्मूला बाई एक्सिस के लिए हो जाएगा। द एरिया बाउंडेड बाई कर्व बाई एक्स इक्वल टू एफ वाई एंड एक्स इक्वल टू जी वाई बिटवीन बाई इक्वल टू सी बाई इक्वल टू डी इज गिवेन बाई, ठीक इसके बीच में एरिया निकालनी है। सेम फार्मूला वैसे मैंने दोनों कर्व का बाई एक्सिस के अराउंड दो कर्व होंगी, दोनों कर्वों को वैसे ही सेम प्रोसेस से हम क्या निकाल लेंगे, छोटी जो नीचे कर्व होगी उसकी एरिया निकाल लेंगे बाउंडेड, और जो ऊपर कर्व होगी उसकी एरिया निकाल लेंगे, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे तो बाउंडेड एरिया निकल आएगी। बाउंडेड का तो फार्मूला फाइनल फार्मूला बाउंडेड का एरिया का आ जाएगा सी से डी, क्योंकि बाउंडेड क्या है सी से डी, लोअर लिमिट सी अपर लिमिट डी, एफ बाई माइनस जी बाई
और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, ठीक, उसकी हम एरिया निकाल लेंगे। इसी प्रकार इफ एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स इन ए से सी, मैंने अभी इससे पहले बताया कि कोई फंक्शन है कुछ कंडीशन में वो इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। फंक्शन जी से एक सी इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। इसी प्रकार एफ एक्स लेस देन जी एक्स इन सी से डी, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। भैया सी बिलोंग टू द ए और बी के बीच में सी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। देन एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ए से सी लिमिट ले लेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स क्योंकि इसमें फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्लस सी से डी जी एक्स क्योंकि यहाँ पे जी एक्स बड़ा है, जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स एरिया निकाल लेंगे। जो फंक्शन बड़ा है उसकी पहले और जो छोटा है उसकी उसके बाद एरिया निकाल लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ तक मैंने कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स और वाई एक्सिस के बारे में बात की। अब मैं पोलर इक्वेशन, जब आप लोगों को एरिया पोलर कोऑर्डिनेट में दी हो तब उसकी एरिया कैसे निकालेंगे। आर इक्वल टू थीटा एफ थीटा फंक्शन, आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर और थीटा होते हैं। पोलर फॉर्म में दी हो तब एरिया कैसे निकालें, लेट एफ थीटा बी द कंडीशन ऑफ फंक्शन थीटा इक्वल टू ए अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे थीटा जो है वो अल्फा और बीटा में बिलोंग कर रहा है, ठीक, यहाँ पे लिमिट अल्फा से बीटा है, ठीक। देन द एरिया बाउंडेड बाय कर्व आर इक्वल टू एफ थीटा बिटवीन अल्फा एंड थीटा, मतलब ये हो गया अल्फा जो है इसका मतलब हो गया कि अल्फा थीटा वन इक्वल टू अल्फा थीटा टू इक्वल टू बीटा, कोई कर्व दी हुई है उसकी एरिया कैसे निकालेंगे, वन बाई टू इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा आर स्क्वायर डी थीटा, यहाँ पे जो भी आर का फंक्शन होगा वो थीटा फटाए में चेंज कर लेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि ये जब पोलर फॉर्म में होगा तब फार्मूला निकल के आ जाएगा ए इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अब इसी प्रकार एरिया पैरामेट्रिक कर्व, जब पैरामेट्रिक कर्व दी हो एक्स कर्व होगी वो भी किसी पैरामीटर के साथ दी हो, वाई कर्व अलग पैरामीटर के साथ दी हो, तब ऐसी कर्व का एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे कि लेट एक्स इक्वल टू फाइव टी और वाई इक्वल टू साइन टी, दोनों फंक्शन किसके हैं टी, यहाँ पे एक्स भी डिपेंड कर रहा है टी पे, वाई भी डिपेंड कर रहा है टी पे। बी द टू पैरामीटर्स ऑफ कर्व देन द एरिया बाउंडेड बाई कर्व एक्स एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू थीटा टी वन एक्स इक्वल टू साइन टी टू, यहाँ पे लिमिट क्या बाउंडेड क्या है टी वन से टी टू। अभी मैंने इससे पहले बताया जब एक्स एक्सेस के अलॉन्ग एरिया निकालना हो तब क्या होता है, इंटीग्रेशन बाई डी एक्स होता है, ठीक। अब यहाँ पे बाई डी एक्स है तो इसको हम बाई को क्या करेंगे, किसमें चेंज करना है टी में चेंज करना है, तो मेरा क्या हो जाएगा डी बाई अपान डी टी डी टी और डी टी अपान डी एक्स डी टी अपान डी एक्स, बाई चेंज हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा टी से टी और ऊपर टी हो जाएगा नीचे डी टी हो जाएगा, ठीक। अब डी टी रिप्लेस होके किस में आ जाएगा टी में रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन है किसका है बाई का। जैसे मेरा एरिया फार्मूला क्या होगा, एरिया इक्वल टू लिमिट जो भी हो बाई डी एक्स, ठीक, ये फंक्शन होता है एरिया, यहाँ लिमिट होती ए से बी, यहाँ पे लिमिट क्या है टी से, यहाँ पे एक्स के लिए ए से बी एक्स ही हो, अब आप लोगों को किस में चेंज करना है टी में चेंज करना है, तब मेरा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टी वन टी टू बाई डी एक्स डी टी और टी टी, जो फंक्शन होगा डी टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे बाई मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू रख देंगे टी की रख देंगे, दोनों फंक्शन किस में टी में चेंज हो जाएंगे और सॉल्व कर देंगे, तो फार्मूला निकल कर आएगा टी टी वन से टी टू बाई डी एक्स अपान डी टी डी टी, एरिया ऑफ
पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा तब उसकी एरिया कैसे निकालेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा फंक्शन किसका, टी का, क्योंकि देखिए यहाँ पे फंक्शन वेरिएबल इसमें एक्स होगा वाई होगा तो उसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना होगा, तभी उसकी सहायता से हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन कर्वों की सहायता से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करो और इन फार्मूलों की सहायता से। थैंक्स।